हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों अभी आपने जो अपनी स्क्रीन पे देखा उसी के अंदर से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। किसके अंदर से? वेदांता के अंदर से। दोस्तों यहाँ वैकेंसी निकल के आ रही है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, मीडियम टर्म प्लानर, इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानर, माइन प्लानर, ड्रिल एंड ब्लास्ट, जूनियर पिट जियोलॉजिस्ट, जिसमें जेई की वैकेंसी है, सीनियर पिट जियोलॉजिस्ट मतलब एई और जेई की वैकेंसी निकल के आ रही है, ये आई है वेदांता की तरफ से। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। पूरी वीडियो को मैंने आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं और आपको ऐसा क्या करना होगा जिसके थ्रू आपका डायरेक्टली एनरोलमेंट हो जाए या फिर डायरेक्टली आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको पता ही है वेदांता बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइज इसका नाम है, तो अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता जो है बहुत सारे सेक्टर्स में वर्क करता है, वेदांता पावर, वेदांता जिंक, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता रिफाइनरी, इसके साथ साथ आज के टाइम में पावर सेक्टर में भी वर्क करता है। आज के टाइम में इनके थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं। एक सिटी है झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में 90% जो डेवलपमेंट है वो वेदांता की तरफ से। ये मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बट मैं एक बार गया था और अभी जाता भी रहता हूँ, तो मैंने वहाँ का देखा है कि पूरा का पूरा जहाँ नज़र डालोगे वहाँ वेदांता ही वेदांता है। आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स दिल्ली से हो वो मेरे को इंस्टा पे ज़रूर कैरी कीजिए, इंस्टा पे आप मेरे को टेक्स्ट कीजिए, इंस्टा पे आप मेरे को मैसेज कीजिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। दोस्तों वैकेंसी के बात करने से पहले आपसे मैं एक से दो बातें करना चाहूँगा। मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, प्लेटफॉर्म कौन कौन से, एक तो टेलीग्राम, एक इंस्टाग्राम और एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप। ये तीनों जो ग्रुप है ना, ये इसलिए हैं कि आप सबसे पहले सबसे लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सके, आप उसमें अप्लाई कर सके और आपका रिप्लाई आ सके। आपको मैं बताऊं, मैंने 90% स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे रिप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टा पे फॉलो कर ले। टेलीग्राम पे मैं सारों के अपडेट बताऊंगा किस किस का सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि आप मेरे पे कंटिन्यू CV भेज रहे हैं इंस्टा पे। CV मतलब करिकुलम विटाई, मतलब बायोडाटा। आप मेरे को सब जो है अपना इंस्टा पे भेज रहे हैं, तो उसका रिप्लाई जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लें, इसके साथ साथ व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो कर लें। बिल्कुल लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ जाके आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। अब आई बात रिक्रूटमेंट की, रिक्वायरमेंट की और कैसे अप्लाई करना है उसकी। दोस्तों ये वेदांता का जो तो वैकेंसी थी ये निकल के आ रही है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कौन कौन? आप देखेंगे ये इलेक्ट्रीशियन टाउनशिप, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन, टर्म मीडियम टर्म प्लानर, लॉन्ग टर्म प्लानर, माइन प्लानर, ड्रिल ब्लास्ट। मैं सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके चलते हैं इलेक्ट्रीशियन टाउनशिप इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रीशियन टाउनशिप इंजीनियरिंग के अंदर क्या मांगा गया है? दोस्तों इन्होंने कुल मांगा है कि आपके पास इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिकल का जो है आपके पास डिप्लोमा हो तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 3 जनवरी। एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की है कि देखिए, अगर आपका 3 वीक के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो आप अपने आप को अनसक्सेसफुल समझिएगा इस वैकेंसी के लिए। तो ये इलेक्ट्रिकल वाले जो BE, BTEC या फिर डिप्लोमा है वो यहाँ अप्लाई ज़रूर करें। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल फोरमैन, देखिए ये जो है इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड थी, लेकिन इस वाले में कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला है कि N3 हायर क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या फिर आप कभी फोरमैन रहे हो, आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसके साथ नेक्स्ट है मीडियम टर्म प्लानर। मीडियम टर्म प्लानर के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। देखिए इन्होंने बोला है कि माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए जिसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तब भी चलेगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है आप मान लीजिए इन्होंने दिया है लॉन्ग टर्म प्लानर। लॉन्ग टर्म प्लानर के लिए वैकेंसी है। लॉन्ग टर्म प्लानर में भी माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए जिसमें 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है माइन प्लानिंग प्लानर, जो माइंस होती हैं उनको, जिनके 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, माइनिंग में आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ड्रिल एंड ब्लास्ट इंजीनियर, ब्लास्ट ड्रिलिंग इंजीनियर वालों के लिए वैकेंसी आई है माइनिंग ब्लास्ट को लेकर, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है। नेक्स्ट आगे
आपका जूनियर पिट जियोलॉजिस्ट, जूनियर पिट जियोलॉजिस्ट के लिए इन्होंने जो है वैकेंसी, इन्होंने बोला है कि आपके पास बीएससी हो या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो। याद रखिए, या तो आपके पास बीएससी हो या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, तो आप दोनों ही यहाँ एलिजिबल हैं। मेडिकल फिटनेस के कंडीशन में आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपको बाद में भी जमा कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आ गई वैकेंसी जिसमें बीएससी ही आपको इसमें चाहिए। देखिए, इसमें अप्लाई कौन कौन करे, देखिए कोई भी वैकेंसी ले लें आप, डिप्लोमा वाले, जहां माइनिंग के लिए मांगा जाए, माइनिंग में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले जरूर अप्लाई करें। आप फ्रेशर हो, आप जरूर अप्लाई करें। आप एक्सपीरियंस हो, आप जरूर अप्लाई करें। आप लेटेस्ट ग्रेजुएट हो, आप जरूर अप्लाई करें। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर करिए। क्या रिप्लाई करना है, कमेंट सेक्शन में आपको अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर लिखना है, जिससे मेरे को पता रहे कि आप किस ब्रांच से रिलेटेड बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने की। दोस्तों, किसी भी वैकेंसी पे जाएंगे, आपको मैं बता दूं, यहां कोई भी वैकेंसी आप खोल लीजिए। जैसे सबसे पहली वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन टाउनशिप, टाउनशिप के अंदर तो इन्होंने बोला है कि रिक्रूटमेंट एट वेदांत रिसोर्सेज co.za.in। अब कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, इसको मेल करना है कवर लेटर के साथ। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाइए उसे कॉपी कीजिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले आपको करना है ये वाला मेल आईडी कॉपी, क्योंकि इसी पे हमें भेज देना है। तो जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे, तो उसके बाद चलना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए, यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा। रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे, यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं, बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगेगा, मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास सीवीज है जो है, दुनिया की हेल्प करनी है हमें, तो आप हेल्प जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो अब जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है। वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए, सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आप डिप्लोमा, बीटेक, प्लेस ऑफ नेम, कॉलेज, ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहाँ लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई, वहाँ जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है, उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास, किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा, इसके साथ साथ अपना सीवी, सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।